हेलो दोस्तों, अक्सर बच्चे के पतलापन होने से माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बच्चों की हेल्थ को लेकर ज़्यादातर माता पिता चिंतित रहते हैं। कुछ बच्चों को सब कुछ खिलाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता है, ऐसे में बच्चा पतला, कमज़ोर और अंडरवेट हो जाता है। हालांकि अगर बच्चा हेल्दी है तो उसे कोई बीमारी नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। अगर आप अपने बच्चे के पतलेपन से, दुबलेपन से परेशान हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा कमज़ोर है, अंडरवेट है, तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको देने जा रही हूँ। ये आपके लिए बहुत काम की है। आपका दुबला पतला बच्चा जल्दी ही मोटा और स्ट्रांग हो जाएगा। आप भी यही चाहती होंगी। दोस्तों, मार्केट में तो ऐसे बहुत से पेय पदार्थ मिलते हैं जिससे दावा किया जाता है कि बच्चा मोटा हो जाएगा, पर जो घरेलू चीज़ें होती हैं, जो घर में उपलब्ध है, उससे अगर बच्चा हेल्दी होता है तो वो अच्छा होगा, वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। इसलिए आपको घरेलू चीज़ों पर ही पूर्ण रूपेण विश्वास करने चाहिए। ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, बच्चे का वजन अगर कम है, बच्चा दुबला पतला है, कमज़ोर दिखाई देता है और ये आपको अच्छा नहीं लगता, तो बच्चे का वजन बढ़ाने के कुछ उपाय हैं, कुछ खाने हैं, वो मैं बता रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहला तो केले का सेवन। वजन बढ़ाने के लिए केला बहुत अच्छा फल है। केले में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और विटामिन B6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। केले में काफ़ी कैलोरी होती है जो वजन बढ़ाने में मदद करती है। खास बात यह है कि बच्चे को केला बहुत पसंद आते हैं। आप चाहें तो केले को मसल कर या स्मूदी बनाकर, शेक बनाकर बच्चे को पिला सकती हैं, खिला सकती हैं। दोस्तों, घी जरूर देने चाहिए कमज़ोर बच्चे को। घी और रागी आपके बच्चे के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आप 6-7 महीने के बाद बच्चे की डाइट में देसी घी शामिल कर सकती हैं। बाजार से लाया हुआ घी नहीं, देसी गाय का शुद्ध घी मिले तो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे के लिए घी बहुत ज़रूरी है। घी में कई पोषक तत्व होते हैं। आप बच्चे के दलिया, खिचड़ी, दाल या सूप में घी डालकर पिला सकती हैं, खिला सकती हैं। आपको बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए डाइट में रागी जरूर शामिल करना चाहिए। रागी में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और दूसरे विटामिन्स और खनिज पाए जाते हैं। रागी खाने से बच्चे का वजन बढ़ेगा और आपका बच्चा हेल्दी भी रहेगा। एक जो बात मैं बता रही हूँ वो है शकरकंद की। बच्चे को मोटा करने के लिए आप उसे शकरकंद भी खिलाएं। शकरकंद में कई सारे ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ को सुनिश्चित करता है। शकरकंद में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीज होता है। शकरकंद खाने और पचाने में आसान होती है। शकरकंद डाइट्री फाइबर से भरपूर होती है। आप बच्चे को मैश करके, प्यूरी बनाकर या सूप बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए डाइट में दालें जरूर शामिल करें। दाल में प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और फाइबर होता है। आप 6 महीने से बच्चे को पहले दाल का सूप, फिर दाल दे सकते हैं। आप चाहें तो दाल की खिचड़ी या दलिया बनाकर भी खिला सकते हैं। दाल खाने से बच्चा हेल्दी और मोटा तुरंत होने लगता है। अंदर वेट नहीं रहेगा, आपका बच्चा स्ट्रांग बनेगा। उसके बाद अंडा और एवोकाडो। अंडा खाने से शरीर को प्रोटीन मिलता है। बच्चे को 1 साल का होने के बाद आप अंडा खिला सकते हैं। आप बच्चे को बॉयल करके या ऑमलेट बना के खिला सकती हैं, काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एवोकाडो का भी आप सेवन करवा सकती हैं अपने बच्चे को। एवोकाडो में विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट होता है। ये आपके बच्चे को तुरंत स्ट्रांग बनाने का काम करेगा। इसमें डाइट्री फाइबर होता है, कॉपर होता है, फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
अंडा और एवोकाडो खिलाने से बच्चे का वजन बढ़ने में मदद मिलती है। अगर आपका बच्चा कमजोर है, आपका बच्चा दुबला है, तो आप तुरंत बच्चे के डाइट में इन चीजों को शामिल करें, आपका बच्चा तुरंत हेल्दी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।